हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, क्या होता है पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जो है वो क्या इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ वो आपको बहुत ही प्रॉपर वे में समझ में क्या आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल्स। क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स क्या होता है? क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स, क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स, इसमें दो फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू थ्री ए बी, ए प्लस बी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। या फिर एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू और फिर 3ab, 3ab इंटू ए माइनस बी। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू 3a स्क्वायर b माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, दोनों फार्मूला जो है आपका क्या इम्पॉर्टेंट है। और अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना करके समझाता हूँ और आप समझिएगा। ऐसा करता हूँ कि मैं, अच्छा ये फार्मूला आपका हो गया, अब मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि a प्लस बी के होल क्यूब पर आप कैसे क्वेश्चन कीजिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिया, फोर ए, फोर ए प्लस फाइव बी का होल क्यूब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आएगा कि इसको एक्सपेंड कीजिए तो फार्मूला का याद होना जरूरी है। फार्मूला को याद होने के साथ साथ आपको उस फार्मूला को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको जो है पता बहुत होना चाहिए, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में याद रहेगा तो आप सिर्फ याद रहने से बहुत सारी चीज़ों को नहीं बना सकते। वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए, साथ ही साथ उसका यूज़ कहाँ पर करना है वो चीज़ भी आपको याद होना चाहिए, तब जा करके आप उसको अच्छे से बना पाइएगा। तो सीधी सी बात है, ये आपका, आपको a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि a प्लस बी का होल क्यूज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, या फिर आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। तो चलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू, यानी कि ए की जगह पर क्या क्या है, फोर ए, तो फोर ए का होल क्यूब, बी की जगह पर आपको क्या है तो फाइव बी का होल क्यूब, फाइव बी का होल क्यूब, और फिर क्या है 3a, a के जगह पर आपका 4 और b के जगह पर आपका b, और फिर क्या आपका 4a प्लस 5b, 4 जा 16, 16 4 जा 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, 64 a क्यूब, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 b क्यूब, और 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 a इंटू बी, और यहाँ आपका हो गया 4a प्लस 5b। अब लिखते जाइए 16 a क्यू प्लस 125 b क्यू, अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 इंटू 4 क्या हो गया आपका 64 या 240 a इंटू ए ए स्क्वायर b, और फिर 60 इंटू 5 300 और a और b इंटू बी b स्क्वायर आपका आ गया ये आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट फॉर्मूला के बेसिस पर। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं आपको, सेकेंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ इस फॉर्मूला के बेसिस पर कि अगर आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पर एक्सपेंड करने को आएगा तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करिएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो
सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूँ, 5x-3y, 5x-3y का होल क्यूब। तो सीधी सी बात है कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करिएगा, आपके माइंड में ये फार्मूला होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व करिएगा। साथ ही साथ इसको कहाँ पर यूज़ करना है ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला आपके है, ये आपका a के जगह पर है, आपका b के जगह पर a क्यू यानी कि 5x का होल क्यूब, b क्यू यानी कि 3y का होल क्यूब, माइनस 3 a के जगह पर आपका 5x, b के जगह पर आपका 3y, और a माइनस b यानी कि 5x-3y का ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5x का होल क्यूब तो 5x into 5x into 5x, 5 into 5 into 5 125, x into x into x, x क्यू 3 into 3 9, 9 3 जा क्या हो गया आपका 27 y क्यू, फिर यहाँ पर क्या हो गया 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 x y, और 5x-3y, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 125 x क्यू माइनस 27 y क्यू, 45 into 5 कीजिएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 into 5, 5 5 जो 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जो 20 और 22, 2 2 5 आ जाएगा, 2 2 5 x into x, x स्क्वायर ये y, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 45 into 3 कर दीजिए क्या आएगा, 5 3 जो 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जो 12 और 30 135 x y स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन जो है वो समझ बन गया। तो ये फार्मूला था, फार्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली वे में बना सकते हैं। तो ये आपको, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप और बना करके 5-10 सम कर सकते हैं, तो आपको बहुत ईजिली मतलब आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट दे सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो से हेल्पफुल मिल रहा है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के बारे में, पॉलीनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।